हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मर्करी वेपर लैंप क्या होता है। इसके पिछले वीडियोस में हमने डिस्चार्ज लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में बता दिया था। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है मर्करी वेपर लैंप। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सड़कों पर लगे इस प्रकार के लाइट को कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। ये लाइट का अगर आपसे नाम पूछा जाए कि ये लाइट का नाम क्या है, तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये जो सड़कों पर जो लाइटें लगी होती है या फिर किसी स्टेडियम में जो लाइटें लगी होती हैं, वो होती है मर्करी वेपर लैम्प। तो आज के सेशन का यही टॉपिक है मर्करी वेपर लैम्प। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर केवल मर्करी वेपर लैम्प ही लगाया जाता है, इसके अलावा भी कई लैम्प का यूज़ किया जाता है, वो आपको वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मर्करी वेपर लैम्प होता क्या है। तो मर्करी वेपर लैम्प को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए आपको हम पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वो है डिस्चार्ज लैम्प। तो देखिए, डिस्चार्ज लैम्प में हमने आपको क्या बताया था कि जो ऐसा लैम्प जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज लैम्प। और हमने आपको यही बताया था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें कोई ना कोई गैस होता है, और वो गैस जब आयनित होता है तो वह लाइट प्रोड्यूस करता है। तो सेम वही चीज़ मर्करी वेपर लैम्प में भी होता है। तो जो आपका डिस्चार्ज लैम्प होता है वो तीन टाइप के हमने आपको बताया था, कई तीन टाइप के बताया था, तो उसी में से मर्करी वेपर लैम्प उसका एक टाइप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मर्करी वेपर लैम्प होता है यह एक प्रकार का डिस्चार्ज लैम्प ही होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है कि जो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें वेपोराइज्ड मरकरी, मतलब कि वाष्पीकृत मरकरी का यूज किया जाता है, और आर्क की सहायता से, इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से विजिबल लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम अगर देना हो तो कुछ इस प्रकार से इसका डेफिनेशन देंगे कि वह लैंप जिसमें वेपोराइज्ड मरकरी का प्रयोग किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से विजिबल लाइट प्रोड्यूस किया जाता है, उसे मर्करी वेपर लैंप कहते हैं। या कुछ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसा लैंप जिसमें वेपोराइज्ड मर्करी का यूज किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे ही मर्करी वेपर लैंप कहते हैं। कहने का मतलब है कि मर्करी वेपर लैंप जो होता है इसमें भी एक ट्यूब होता है, और उस ट्यूब में रूम के टेम्परेचर पर उसमें मर्करी गैस, मर्करी जो होता है लिक्विड के फॉर्म में भरा होता है। और अब उस मर्करी को जो लिक्विड के फॉर्म में है उससे हमको लाइट जनरेट करना है। तो लाइट जनरेट करने के लिए मर्करी को आयोनाइज किया जाता है, मतलब कि आयन किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा मर्करी वेपर लैम्प, तो इसे ही बोला जाता है मर्करी वेपर लैम्प। और आप लोगों ने इसको रियल में देखना है तो सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं वो मर्करी वेपर लैम्प या फिर सोडियम वेपर लैम्प होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मर्करी वेपर लैम्प होता क्या है। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अब आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको चित्र में एक मर्करी वेपर लैम्प दिखाया गया है, और मर्करी वेपर लैम्प के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट के नाम भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसका किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो ये आपका मर्करी वेपर लैम्प होता है इसमें दो ट्यूब होता है, इसमें दो ट्यूब होता है। एक होता है डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर आप इनर ट्यूब भी इसे कह सकते हैं, या फिर आर्क ट्यूब भी इसे बोल सकते हैं, और दूसरा होता है आउटर ग्लास ट्यूब, या फिर आप आउटर एनवेलप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चित्र में दिख रहा है कि ये अंदर वाला पार्ट ये है आपका इनर ट्यूब, और ये जो आपका बाहरी वाला दिख रहा है ये है आपका आउटर एनवेलप या फिर आउटर ग्लास ट्यूब। अब जो इस मर्करी वेपर लैम्प का इनर ट्यूब होता है वह क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, और जो आउटर ट्यूब होता है, मतलब कि आउटर ग्लास ट्यूब जो होता है या फिर आउटर जो एनवेलप होता है इसका, वो बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। अब जो ये आपका क्वार्ट्ज है और आपका बोरोसिलिकेट जो ग्लास है, ये दोनों ही पदार्थ जो होते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। कहने का मतलब, इनका मेन कार्य होता है कि जब भी आर्क के कारण ट्यूब में हीट इंक्रीज हो तो उसे इनर ट्यूब और आउटर एनवेलप डैमेज ना हो सके। कहने का मतलब कि जब भी आपका, मतलब कि दोनों ही पदार्थ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, तो अगर आर्क के कारण ट्यूब में हीट इंक्रीज होता है तो इनर ट्यूब और आपका आउटर एनवेलप जो होगा वो डैमेज नहीं होगा। और जो क्वार्ट्ज ट्यूब होता है
वह 1300 केल्विन टेम्परेचर को सस्टेन मतलब कि सहन कर सकता है, और जो आपका आउटर ट्यूब यानी कि आउटर ग्लास ट्यूब होता है वह 700 केल्विन ताप को सहन कर सकता है। अब इस चित्र में आपको दो इलेक्ट्रोड भी दिख रहे होंगे, तो इसमें जो होते हैं दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों ट्यूब के बीच जो स्पेस रहता है, कहने का मतलब जो इनर ट्यूब और जो आउटर एनवेलप है उसके बीच जो स्पेस रहता है वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरा होता है, और ये या जो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है यह थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो इनर ट्यूब आपको यहाँ पर दिख रहा है इनर ट्यूब, उसके अंदर मरकरी और आर्गन गैस भरा होता है। इसमें दो मेन इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा, दो मेन इलेक्ट्रोड और एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों ही मेन इलेक्ट्रोड के साथ टंगस्टन वायर कनेक्ट रहता है, या टंगस्टन वायर कह लें या फिर टंगस्टन का कॉइल जो है वो कनेक्ट रहता है। तो इसमें अब आपको जो मरकरी वेपर लैंप होता है इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य किसका होता है, वो होता है इनर ट्यूब का, क्योंकि इनर ट्यूब ही आर्क ट्यूब होता है, इसी में आर्क डेवलप होता है, इसी में डिस्चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो इनर वाला पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर या फिर कह लें इलेक्ट्रोड को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो थोरियम कैल्शियम या बेरियम की कोटिंग कर देते हैं उस पर। अब देखिए जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल होते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच जो है आर्क जो होता है आसानी से डेवलप हो जाता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि आर्क की इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वह मॉलिब्डेनम फॉइल लीड के साथ कनेक्ट रहता है, और जो आपका स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट रहता है, और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ रजिस्टर इसलिए कनेक्ट रहता है ताकि जब स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो तो उस करंट को यह रजिस्टर जो होता है वो लिमिट करता है। तो उम्मीद है आपको इसका मरकरी वेपर लैंप का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है कि इसमें दो ट्यूब होते हैं, एक इनर ट्यूब एक और आउटर एनवेलप या आउटर ट्यूब, और जो इनर ट्यूब होता है उसी में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और दो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल, कहने का मतलब थोरियम कैल्शियम बेरियम का, इस पर उनकी कोटिंग की जाती है। इसके बाद क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है आर्क डेवलप होता है, और जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क डेवलप होता है उसके बाद वर्किंग वाला प्रोसेस में आपको बताएंगे कैसे यह लाइट प्रोड्यूस करता है। अब इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट रहता है, और रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को लिमिट करना। तो इस प्रकार से आपका मरकरी वेपर लैंप जो है वो बनाया जाता है। जब मरकरी वेपर लैंप को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और मेन इलेक्ट्रोड के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, मतलब कि जब लैंप के स्विच को हम ऑन करते हैं तो सहायक इलेक्ट्रोड यानी कि जो एक्जिलरी इलेक्ट्रोड होता है और मेन इलेक्ट्रोड जो होता है उसके मध्य आर्क उत्पन्न हो जाता है। आर्क से उत्पन्न जो हीट होता है उससे आर्गन गैस आपका आयनित हो जाता है, इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। अब डिस्चार्ज के जो टेम्परेचर से जो मरकरी का वाष्पीकरण होने लगता है और ट्यूब के अंदर का प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ जाता है, और पाँच से सात मिनट में मरकरी गैस पूरी तरह से वेपराइज हो जाता है, और एक दो मिनट में यह नीले पीले विसर्जन के साथ सफ़ेद प्रकाश देने लगता है। मरकरी वेपर लैंप जो होता है यह लाइट ग्रीन एंड येलो कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये मरकरी वेपर लैंप इस प्रकार से कार्य करता है। अब हम देखते हैं मरकरी वेपर लैंप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है। तो मरकरी वेपर लैंप जो होता है इसका पहला एडवांटेज है कि यह अधिक एफिशिएंट मतलब कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो जीवन काल मतलब लाइफ होता है यह अन्य लैंपों की अपेक्षा काफ़ी अधिक 24,000 आवर होता है, और इसका इस जो मरकरी वेपर लैंप होता है इससे जो लाइट प्रदान होता और लाइट आपको प्राप्त होता है यह बिल्कुल क्लियर वाइट लाइट होता है, और इसकी जो जो आपका मरकरी वेपर लैंप होता है इसके इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, और मरकरी वेपर लैंप विभिन्न प्रकार के कलर यह उत्पन्न कर सकता है, और यह विभिन्न प्रकार के शेप और साइज और रेटिंग में अवेलेबल है।
तो इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इसका जो ल्यूमेन में मतलब मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं होता है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि यह जो होता है, यह बल्ब जब आप इसको ऑन करते हैं तो यह ग्लो करने के लिए, जैसे कि हमने आपको इसके वर्किंग बताया कि 5 से 7 मिनट लगते हैं मरकरी को वेपराइज्ड होने में, तो यह 5 से 7 मिनट इस बल्ब को ग्लो यानी कि चमकने में लगता है। और इसको मतलब कि जब बल्ब को ऑफ कर देते हैं, मतलब इसका जो कूलिंग टाइम है, इसका 5 से 6 मिनट यह कूलिंग टाइम लेता है। तो इसके यही डिसएडवांटेज है, ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज नहीं है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मरकरी वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको बता दें, मरकरी वेपर लैम्प का यूज़ जो होता है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत अधिक किया जाता था। अब उसके स्थान पर वहाँ पर एलईडी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एलईडी जो होता है इसमें कम बिजली की खपत होती है, इसलिए मरकरी वेपर लैम्प को हटाकर एलईडी का यूज़ किया जाता है। लेकिन मरकरी वेपर लैम्प जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज होता है। स्ट्रीट लाइट, आपको बताया सड़कों पर जो आप लाइट देखते हैं वो या तो मरकरी वेपर लैम्प होते हैं या फिर सोडियम वेपर लैम्प होते हैं। लेकिन अब जो है कई जगह सोडियम वेपर लैम्प और मरकरी वेपर लैम्प दोनों को रिमूव कर दिया गया है बिजली में। आप जानते हैं एलईडी का इस समय टाइम चल रहा है कि एलईडी सब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर सबको रिमूव करके एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है। और जो स्टेयर वेल्स होते हैं वहाँ पर भी मरकरी वेपर लैम्प का प्रयोग किया जाता है। और होम अप्लायंस हो गए, जैसे कि होम अप्लायंस में कई जगह इसका प्रयोग होता है।